सारे मिल के आखो हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा रहा है मदीने मदीने वाला ही बुलवारा है मदीने वाला ही बुलवारा है नसीर अपनी कोशिश नहीं काम आती नसीर अपनी कोशिश नहीं काम आती बुलाते हैं खुद ताजदारे मदीना मदीने वाला ही बुलवा नमी आंखों
बढ़ती जा रही है। यकीनन फिर बुलावा रहा है, यकीनन फिर बुलावा पेश कर रहा हूँ पांचवां शेर जो समझ गए वो बोल पड़े, आपको नहीं समझ आई पेश कर रहा हूँ पांचवां शेर पंचतन पाक की निस्बत से पांचवां शेर। और ये शेर हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादी हजरत सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में। ये चक्की सही चल रही है, ये चक्की सैयदा गर्दिशे आलम है जिसका घूमना खाजा सही मौजू यही है कि ये चक्की सैयदा की जल रही है, जमाना जिसे लंगर खा रहा है। गर्दिशे आलम है जिसका घूमना, जिसका दस्ता दस्ते लारेबी में है। गर्दिशे आलम है जिसका घूमना, जिसका दस्ता दस्ते लारेबी में है, और जिसमें गेहूं पीसती है सैयदा, दो जहां का रिज़्क उस चक्की में। गर्दिशे आलम है जिसका घूमना, जिसका दस्ता दस्ते लारेबी में है, जिसमें गेहूं पीसती है सैयदा,
दो जहां का रिस्क उस चक्की में है, दो जहां का रिस्क उस चक्की में है। और जबी भाई आपका पसंदीदा कथा है ख्वाजा सही, इसी पे मुकम्मल करता हूँ। अभी जिक्र था चक्की का और रिस्क का, ये जो वास्ता है, रेलेवेंस है चक्की और रिस्क का, इसका एक और शानदार रुख मुलाजा कीजिएगा जनाब साहबजादा राशिद शमीम साहब। सामान्य तहारत में लगी रहती है, भरपूर रियाजत में लगी रहती है, कैसे तवज्जो कीजिएगा, सामान्य तहारत में लगी रहती है, भरपूर रियाजत में लगी रहती है, करती है तवाफ दस्ते सैयदा का, चक्की भी इबादत में लगी रहती है, करती है तवाफ दस्ते सैयदा का, चक्की भी इबादत में लगी रहती है, सामान्य तहारत में लगी रहती है, भरपूर रियाजत में लगी रहती है, करती है तवाफ दस्ते सैयदा का, चक्की भी इबादत में लगी रहती है, चक्की भी इबादत में लगी रहती है। नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। अब मजा तब है कि हाथ खड़ा करें और मेरे साथ कहिए हैदर 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 हैदर। करती गई आपकी नजर के अगले दो शेर कर रहा हूँ कि जिन पे सदका हम पे सदका हराम है, जिन पे सदका हराम है। बहुत तवज्जो जिन पे सदका हराम है, जिन पे सदका हराम है, वो भी सहरा खाते हैं, क्योंकि ये चक्की सैयदा की चल रही है, जिन पे सदका हराम है।
صدقہ حرام ہے وہ بھی زہرا کا صدقہ کھاتے ہیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ اچھا بات یہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا تو آپ میرے ساتھ پھر آپ کو مل کے پڑھنا چاہیے کہیں گے آپ زمانہ جتنا لنگر کا رہا ہے زمانہ سائڈ تو آواز زیادہ اچھی آ رہی ہے آپ بھی اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ زمانہ چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں چوم کر اچھا اگلا مصرع ایسا ہے تسی پاوے منہ تے ہاتھ رکھ لو لیکن سبحان اللہ دی صدا بلند ہو جانی ہے پھر اتنا خوبصورت شعر کہ چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں یہ وہ صدقہ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے جب زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے تو ہمارا تو حق پہلے پھر زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لے کہیں گے مصطفیٰ قدموں میں آ جا کیوں کیونکہ درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے درِ زہرا سے ہو کر ہمارا جو ہم نے بزرگوں سے سلیقہ سیکھا ہمارا طریق تو یہی ہے کہ مدینہ پاک جب حاضر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے گورنر مدینہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پھر جنت البقیع شریف میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہے تو پھر کہیں گے مصطفیٰ قدموں میں آ جا کیونکہ درِ زہرا سے ہو کر آ رہا
रहा है। और सफदर भाई, आपने जिस तरफ इशारा किया, खुदा की कसम उस सारे मामले के बाद ये बात है, ठीक है, उसी तनाजुर में ये शेर के ज़बीबे बे माने भर में इज्जत पा रहा है, जमाने भर में इज्जत पा रहा है। और अज़मत सावरी साहब था खालिद सईद जा रहा है, वो देखो सुवे जन्नत जा